तो प्रियंका गांधी आरोपों से इनकार कर रही हैं, लेकिन इससे पहले आज सुबह अखिलेश ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयानों को आड़े हाथ लिया और जमकर हमला किया। कैसे तेज हो रही है जुबानी जंग, देखिए। एक ऐसा उम्मीदवार दिखा दीजिए मेरा जो बीजेपी का वोट करता है। मैंने एक एक चुन चुन कर, आप रिसर्च करिए, मैंने किया है, चुन चुन कर मैंने ऐसे चुने हैं आपको सबकी सलाह से। बिल्कुल, आपने उत्तर प्रदेश का पूरे उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट चुने हैं। जिम्मेदारी है, मैंने यूपी के लीडरों ने सबने इकट्ठे बैठकर सलाह लेके सबकी, लेकिन हमने ऐसे ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जिससे बीजेपी का वोट कटेगा। तो आपकी स्ट्रेटेजी है कि ये बिल्कुल 100% या मेरा उम्मीदवार जीतेगा या बीजेपी का वोट कटेगा। आप समझती है आखिर में क्या होगा इस चुनाव में, बार फिर प्रधानमंत्री बने लोग यहाँ परेशान हो। एक ऐसा उम्मीदवार दिखाओ कांग्रेस का मैं इन बातों पे यकीन नहीं कर सकता हूँ। आप विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे कांग्रेस? मैं इन बातों पे यकीन नहीं कर सकता हूँ कि कोई भी कांग्रेस ने कैंडिडेट ऐसा दिया हो जो वीक दिया हो। कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कैंडिडेट नहीं देती है। सर, आपके आज जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए ये बहाना ढूंढा जा रहा है कि हमने वीक कैंडिडेट दिया है। मायावती जी और अखिलेश यादव जी का कंट्रोलर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, ये आप याद रखिए नरेंद्र मोदी मुझ पे दबाव नहीं डाल सकता है, मगर नरेंद्र मोदी जी BSP और SP पर दबाव डाल सकते हैं। उनकी हिस्ट्री है, मेरी कोई हिस्ट्री नहीं। वैसे तो हमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल है, मायावती जी का चुनाव चिन्ह हाथी है। ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कंट्रोल करने की बात नहीं हो सकती राजनीति में। ये जो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हम डरते हैं भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस पार्टी को ये जानना चाहिए और समझना चाहिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और RLD ने ही मुकाबला किया है बीजेपी का। आज इसी गठबंधन की वजह से बीजेपी रुक रही है। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।